बाथरूम में टाइल लगवाने से पहले एक छोटा सा काम कर लेना, उससे आपकी टाइल कभी भी गलत नहीं होगी और कोई भी काम बाथरूम में नहीं बिगड़ेगा। क्या है वो छोटा सा काम, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा टिल एंड तक देखिएगा, तभी कुछ चीज़ क्लियर होगा। अगर स्किप करके देखेंगे तो कुछ भी क्लियर नहीं होने वाला है, तो आप अभी वीडियो बंद कर सकते हैं। अक्सर होता ये है कि जब हम काम करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारा वर्कलोड होता है, जिस कारण हमसे गलती होना आम बात है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप टाइल लगवाएंगे तो बाथरूम, मान लीजिए आपका टाइल अलग अलग है चारों दीवारों पर, तो चार दीवारें हैं, तो अगर एक ही तरह की टाइल है तो थोड़ा सा काम आपका आसान हो जाता है। और अगर चारों दीवारों पर अलग अलग टाइल दी है, जैसे मरकीना है और एंड कैलकटा इस दीवार पर है, तो ये मेरी ए साइड वाली दीवार है। ऐसे ही जो आर्किटेक्ट होता है वो ड्राइंग को जो वॉल है अपनी बाथरूम की चार में बांट देता है, ए बी सी डी। तो ए पर मेरा ये वाला है, एक बी साइड हो जाएगी, एक सी साइड है और एक डी साइड है। तो बी साइड ये रही मेरी, बी साइड पर मेरा काउंटर आने वाला है, वाश बेसिन आएगा, वैनिटी बनेगी, इस पर मरकीना टाइल है जो कि ब्लैक मरकीना टाइल होती है। ये रहा काउंटर का जहाँ पर मेरा वाश बेसिन जाएगा, और ये जो दरवाज़ा है बाथरूम में एंटर करने का, ये है मेरी सी साइड, इस पर कैलकटा टाइल दी हुई है। तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है, मात्र जब भी आप टाइल लगवाएंगे तो ड्राइंग हाथ में ले करके आपको एक चौक लेनी है वाइट कलर की, और उस पर दीवार पे आपको मार्क कर देना है कि ये मेरी ए साइड है, इस पर ये वाली टाइल आने वाली है, मेरी बी साइड है इस पर ये टाइल आने वाली है, मेरी सी साइड है इस पर कैलकटा आने वाली है, और मेरी डी साइड है, डी साइड पर ये आएगी। और अगर एक ही दीवार पे दो टाइल आ रही हैं, डिज़ाइन आ रहा है, तो वहाँ पर आपको एक मार्किंग कर देनी है कि मान लीजिए 450 का पट्टा इतने का है, फिर 900 की 800 की मेरी ये टाइल है, कुछ इस तरीके से, जैसा कि अभी मैं यहाँ आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। ये मेरा बाथटब है, इतना वो जगह हमने छोड़ दिया अभी। जैसे ही मरकीना है, मरकीना की दो लाइन मैंने वाइट से खींची हुई है चौक से, तो ये 450 है मेरा, 1.5 फीट है, तो 1.5 फीट का पट्टा मेरा मरकीना का है दोनों साइड, बीच में मेरा 900 का एक टाइल आ रहा है, यानी कि डिज़ाइन दिया हुआ है। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है ये, आपके साथ जो टीम काम कर रही है, मिस्त्री काम कर रहा है, ठेकेदार काम कर रहा है, उसको भी समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। अगर आप ओरल बताते हैं तो भूल चूक हो जाती है, भूल में गलती में कुछ भी हो सकता है, अगर आप लिख देंगे चौक से तो आपका काम आसान हो जाता है। और अगर आप कहीं बिज़ी हो गए किसी काम में तो प्रॉब्लम नहीं होती, मिस्त्री को या ठेकेदार को आपको बार बार नहीं पूछना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आला बनाना है, तो ये देखिए आला निर्माण लिख दिया, 3 इंच गहराई रहेगी, 1800 mm रहेगा, 375 इतना छोड़ना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी गई हैं। उससे क्या है, कोई अनजान आदमी भी आता है तो उसको समझने में आसानी रहती है कि अच्छा यहाँ पे ये चीज़ है, ये बाथ टब है अपना। तो ये जो बात कर रहे हैं हम मरकीना की, और जो मेरा वो वाला टाइल आ रहा है, ये बाथ टब में आने के लिए सीढ़ियाँ बनाई हुई है, इसके अंदर बाथ टब फिक्स होगा, तो ये दो स्टेप दे दिए, स्टेप से चढ़ के कोई भी व्यक्ति अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको काम करना है, जिससे कि आपसे गलती नहीं होगी, ना ही मिस्त्री गलती करेगा, ना ही ठेकेदार गलती करेगा, और ना ही आपको बार बार पूछ कर परेशान करेगा। चौक से आपको दीवार पे मार्किंग कर देनी है, कौन सी टाइल आने वाली है, कितना साइज है, ये सब चीज़ें आपको लिख देनी है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएँ, कोई सवाल हो मन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं देखता हूँ अक्सर लोग वीडियो तो बहुत देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, टेक केयर।